तो गाइस आज के वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले ये टेलीस्कोप जो कि सिर्फ 1500 रुपीज़ के प्राइस रेंज के अंदर आता है। और भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसका हमने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करा था, आउटडोर में टेस्ट करा था, नाइट में भी टेस्ट करा था, इसे तो काफ़ी अच्छे इसने रिजल्ट दिए। रिजल्ट आपको कुछ दिख रहे होंगे सामने, तो आज इसकी वीडियो में हम पूरी इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो की अनबॉक्सिंग। तो गाइस ये रहा इसका बॉक्स, तो एक बड़ा सा डेंट देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा आप इसे ओपन करते हैं फटाफट से। सो गाइस ये है इसका बॉक्स। यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाता है इसका ट्राइपॉड। इसके अलावा आपको यहाँ पर हमारा मेन टेलीस्कोप देखने के लिए मिलेगा। अटैचमेंट आपको देखने के लिए मिलता है अगर आप इसे ट्राइपॉड के साथ कनेक्ट करते हो तो। और यहाँ पर आपको कुछ लेंसेज देखने के लिए मिल जाते हैं। सो गाइस ये है 6mm आईपीस। गाइस इस फिल्टर की वजह से आप इमेज को अच्छी तरीके से देख सकते हो। गाइस ये है 20mm आईपीस। गाइस ये है 1.5x इरेक्टिंग आईपीस। गाइज इससे आप इमेज को सबसे ज़्यादा जूम कर सकते हो, बट थोड़ी सी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी ब्लर जरूर से हो जाएगी। और यहाँ और गाइज ये है हमारा मेन ट्राइपॉड, पूरी मेटल बिल्ड है। तो बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा सही है, बट जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा छोटा है, बट बिल्ड क्वालिटी वगैरह मस्त है, पूरी मेटल की बिल्ड है। थोड़ा हमारा ये मेन टेलीस्कोप, इसकी बिल्ड क्वालिटी जितनी मैंने सोची थी उससे ज़्यादा अच्छी है इसकी बिल्ड क्वालिटी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो पूरी साइड है ना गाइज, आपको पूरी मेटल की देखने के लिए मिल रही है। ये वाली साइड भी आपको पूरी मेटल की देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको साइड में एक ज़रूरी इंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता है, अगर आप चाहो तो पोज करके पढ़ सकते हो। आपको इसे डायरेक्ट आई से नहीं देखना जब भी आप इसे सन को देखते हो तो। ये है प्रिज्म ग्लास, सबसे कोने पे आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी इमेज आएगी यहाँ पर एक ग्लास लगा हुआ जिसकी थ्रू ये आपको बिल्कुल सीधी यहाँ से आप देख सकते हो इसे। और गाइस यहाँ पर आपको एडजस्टर मिलता है जिससे आप इसकी लेंथ और फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकते हो पूरी तरीके से। तो गाइज़ ये कुछ सामान जो आपको इसके साथ पूरे पैकेज में देखने के लिए मिलते हैं, सारी चीज़ आपको मैंने अनबॉक्स करके बताया। तो गाइज़ आपको कुछ इस तरीके से इसे अटैच करना है, उसके बाद आपको जो स्क्रू है इसके अंदर आपको फिक्स कर देना है। कुछ इस तरीके से फिक्स हो जाएगा तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो उसके। गाइज इस तरीके से आप इसे 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो। गाइज ये दो लेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। 6mm वाला ज़्यादा जूम करेगा पर थोड़ी सी आपको क्लियरिटी कम मिलेगी। 20mm वाला थोड़ा सा कम जूम करेगा पर क्वालिटी अच्छी देगा। जो लेंस सही लगे वो आपको कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है इसके अंदर। बाद गाइस आप इसे टाइट कर दोगे तो ये टोटली फिक्स हो जाएगा। यहाँ से आप इसका फोकस एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जिससे हमारी टेलीस्कोप की लेंथ और ज़्यादा बड़ी दिखती है और इससे आप और ज़्यादा जूम कर सकते हो, बट थोड़ी बहुत इससे जो क्लैरिटी है वो कम हो जाएगी। तो अब इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। देखो उसकी पूरी बिल्ड क्वालिटी मेटल की है, बट कुछ कुछ जगह पे जैसे कि यहाँ पर और जो इसकी जो कोने कोने पे जो एरियाज है वहाँ पर आपको प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है, बाकी पूरी बॉडी इसकी मेटल की है। और गाइज इसका जो ये ट्राइपॉड है थोड़ी सी इसकी हाइट कम है और आप इसे एडजस्ट भी नहीं कर सकते, बट हाँ ये कुछ कुछ पार्ट आपको प्लास्टिक के देखने के लिए मिलते हैं, बाकी ये पूरा आपको मेटल का देखने के लिए मिलता है। यानी बिल्ड क्वालिटी वाइज इसे काफ़ी अच्छा मार्क्स दूंगा मैं, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है और काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। तो गाइज अब चलते हैं आउटडोर में, तो इसका टेस्ट करते हैं। डे लाइट का टेस्ट आपको भी करके बताऊंगा, फिर देखते हैं हम नाइट का भी करके बताएंगे आप लोगों को। तभी हमने इसका फोकस पूरा एडजस्ट कर लिया, वो जो आप टंकी देख पा रहे हो, टंकी देख पा रहे हो बड़ी सी, वहां तक हमने इसको पूरा एडजस्ट कर लिया है। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूं। तो गाइस हर्षु भाई और मैं, आप जो दूर आपको जो टंकी दिख रही है ये वाली, तो अब इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं हम टेलीस्कोप से, देखते हैं। अभी हमने इसमें 1.5x इरेक्टिंग आईपीस लगा दिया है जिससे इसकी जो लेंथ है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हम इसे थोड़ा और दूर तक देख सकते हैं। तो गाइज अभी हो रहा है नाइट का टाइम और हम लोग ऊपर जो चांद आप देख पा रहे हो उस पर हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। और कर लेते हैं। गाइज ये इसकी प्राइस रेंज को डिजर्व करता है क्योंकि अंडर 1500 रुपीज़ आपको देखने के लिए मिलता है,
और इसकी प्राइस 1500 के अराउंड ही रहती, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ऑफर में आपको 1500 के नीचे भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये तो हो गई इसकी प्राइस। अब देखो कंक्लूजन वाइज मैं तो कहूँगा अगर आपकी प्राइस रेंज 1500 है तो वन ऑफ द बेस्ट टेलीस्कोप आप इसे कह सकते हो, क्योंकि इसकी जो प्राइस रेंज ये डिजर्व करता है, क्योंकि आप इसे काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट फोन से भी कैप्चर कर सकते हो। बट अगर आप फोन से कैप्चर करते हो थोड़ी बहुत क्वालिटी में दिक्कत आती है, बट अगर आप इसे नेचुरली अपनी आंखों से देखते हो या फिर आंखों से कोई भी सीन अगर आप देखते हो इससे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा तगड़ा देखने के लिए मिलता है। बट वही बात है कि जो लेंस है इसकी वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, और इसकी जो फोकल लेंस वगैरह अगर आप अच्छे से एडजस्ट करते हो तो और ज़्यादा क्लियर आपको इमेज दिखती है हर चीज़ की, जैसे कि आपने अभी सारी इमेजेस देखी। तो मेरे को तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप चेक कर सकते हो इसे। वेल आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो प्यारा सा लाइक और बड़ा सब्सक्राइब करते हुए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।